सुप्रभात प्यारे बच्चों, अपने विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड के धनुष भंग प्रकरण का अवलोकन कर रहे हैं, तो आइए आज उससे आगे की घटना को दृष्टिगत करते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। लखन लखेउ रघुवंश मनि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखेउ रघुवंश मनि, लखन लक्ष्मण जी, लखेउ देख रहे हैं, रघुवंश मणि लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुकुल के मणि प्रभु श्री राम ताकेउ हर को दंड। ताकेउ श्री राम क्या देख रहे हैं? हर को दंड, शिव धनुष की तरफ। लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुकुल के मणि प्रभु श्री राम शिव धनुष की तरफ देख रहे हैं। यह देखते ही लक्ष्मण जी का शरीर पुलक की गात, पुलक मतलब पुलकित आनंदित, गात मतलब शरीर। यह देखते ही कि प्रभु श्री राम शिव धनुष की तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मण जी का शरीर पुलकित हो गया। बोले वचन चरण चाप ब्राह्मण, तदुपरांत वो क्या किए कि अपने चरणों से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा लिए, ब्रह्मांड को चाप लिए, दबा लिए, और दबा करके वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, दिस कुंजर कमठ इकोला, धरव धरन धीर न डोला, राम चाह शंकर धन तोरा, हो सजग मुनि आयस मोरा। दिस कुंजर कमठ अहिकोला, क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे दिग्गजों, दिस कुंजर दिशारूपी हाथी या दिग्गज, हे दिग्गजों कमठ कच्छप, हे कच्छपों अहि शेषनाग, हे शेषनाग कोला वारा, हे वारा, हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वारा, धरन धर धरनि धरि धीर न डोला, धरव धरनि, धरन का अर्थ पृथ्वी, धरि धीर न डोला, धैर्य धारण करके पृथ्वी को थाम लो। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वारा, धैर्य धारण करके धरनि मतलब पृथ्वी को थाम लो, दबा लो, पकड़ लो। राम चाहि शंकर धन तोरा, क्योंकि प्रभु श्री राम अब शिव के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अब शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनि आयस मोरा, इसलिए मेरे आदेश को सुन करके, आयस मोरा मेरे आदेश को सुन करके सभी सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप समीप शिव धनुष के पास राम जब आए, प्रभु श्री राम जब आए शिव धनुष के पास, प्रभु जी श्री राम जब आए, तो जनकपुर के नर और नारियों ने सुर सुकृत अपने अपने देवताओं को सुकृत और अपने अपने अच्छे कर्मों को मनाए, याद किए। शिव के धनुष के पास जब प्रभु श्री राम आए, तो जनकपुर के नर और नारियों ने अपने अपने इष्ट देवों को और अपने किए गए अच्छे कर्मों को याद किए, मनाए। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगले एक प्रकरण में हम काव्यगत सौंदर्य का भी उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।